परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तमोध्यायः निष्कर्ष। इस सातवें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर, मेरे आश्रित होकर जो योग में लगता है, वह समग्र रूप से मुझे जानता है। मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला ही प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वालों में विरला ही कोई जानता है। वह मुझे पिंड रूप में एक देशीय नहीं, वरन सर्वत्र व्याप्त देखता है। आठ भेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है, और इसके अंतराल में जीव रूप मेरी चेतन प्रकृति है। इन्हीं दोनों के संयोग से पूरा जगत खड़ा है। तेज और बल मेरे ही द्वारा है, राग और काम से रहित बल तथा धर्मानुकूल कामना भी मैं ही हूं। जैसा कि सब कामनाएं तो वर्जित हैं, लेकिन मेरी प्राप्ति के लिए कामना कर, ऐसी इच्छा का अभ्युदय होना मेरा ही प्रसाद है। केवल परमात्मा को पाने की कामना ही धर्मानुकूल कामना है। श्री कृष्ण ने बताया कि मैं तीनों गुणों से अतीत हूं, परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूं, किंतु भोगासक्त मूढ़ पुरुष सीधे मुझे न भजकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, जबकि वहां देवता नाम का कोई है ही नहीं। पत्थर, पानी, पेड़, जिसको भी वे पूजना चाहते हैं, उसी में उनकी श्रद्धा को मैं ही पुष्ट करता हूं, उसकी आड़ में खड़ा होकर मैं ही फल देता हूं। क्योंकि न वहां कोई देवता है, न किसी देवता के पास कोई भोग ही है। लोग मुझे साधारण व्यक्ति समझकर नहीं बचते, क्योंकि मैं योग प्रक्रिया द्वारा ढका हुआ हूं। अनुष्ठान करते करते योग माया का आवरण पार करने वाले ही मुझ शरीरधारी को भी अव्यक्त रूप में जानते हैं, अन्य स्थितियों में नहीं। मेरे भक्त चार प्रकार के हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। चिंतन करते करते अनेक जन्मों के अंतिम जन्म में प्राप्ति वाला ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, अर्थात अनेक जन्मों से चिंतन करके उस भगवत स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। राग द्वेष के मोह से आक्रांत मनुष्य मुझे कदापि नहीं जान सकते, किंतु राग द्वेष के मोह से रहित होकर जो नियत कर्म, अर्थात जिसे संक्षेप में आराधना कह सकते हैं, का चिंतन करते हुए जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे पुरुष संपूर्ण रूप से मुझे जान लेते हैं। वे संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण अधिदैव को, संपूर्ण कर्म को और संपूर्ण यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं। वे मुझ में प्रवेश करते हैं और अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात फिर कभी वे विस्मृत नहीं होते। इस अध्याय में परमात्मा की समग्र जानकारी का विवेचन है, अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद् गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे समग्र बोधा नाम सप्तमो अध्याय। इस प्रकार